Assalamualaikum दोस्तों, सुबह बखैर। आज बीजिंग में ईद की खुशी मनाई हो रही है और आज हम मौजूद हैं बीजिंग के डोंगजी में मस्जिद में, और मेरे साथ मौजूद हैं हमारे साथी हैं जुबैर बशीर और शाहिद अफराज खान। तो सबसे पहले हम तमाम पाकिस्तानी दोस्तों को ईद मुबारक कहते हैं, और आज हम डोंगजी में वाक़ एक 700 साल कदीम मस्जिद में मौजूद हैं, और हम आज जो आपको तारुफ़ करवाएंगे कि इस मस्जिद के हवाले से, और इस मस्जिद में अभी हो रही है कुर्बानी है। जी बिल्कुल, आज हम सब यहाँ ईद कुर्बान के लिए हाज़िर हुए हैं, और ये मस्जिद जो है पाकिस्तान में जिस तरह एक मस्जिद होती है जहाँ बहुत ज़्यादा लोग आते हैं, तो यहाँ पर ख़ास बात इस मस्जिद की ये थी कि ये मस्जिद एम्बेसीज़ के दरमियान में मौजूद है, तो यहाँ पर तकरीबन सभी इस्लामी ममालिक की एम्बेसीज़ जो करीब करीब मौजूद थी उनके लोग यहाँ पर आए और उन्होंने ईद कुर्बान में हिस्सा लिया। और अब चूँकि हमारा जो बकरा है उसकी कुर्बानी का वक्त काफ़ी नज़दीक आ चुका है, तो मैं जाऊँगा वहाँ पर और तबस्सुम साहिबा और शाहिद साहब आपके साथ ये गुफ्तगू जारी रखेंगे। जी हाँ जी, तो शाहिद साहब अभी हम हमारे नाज़रीन को इस कदीम मस्जिद को सैर करवाएं। जी बिल्कुल, इसमें तबस्सुम एक चीज़ थोड़ी सी जो मैं अपने नाज़रीन को बताना चाहूँगा कि ये नाज़रीन जैसा कि तबस्सुम ने बताया कि 700 साल कदीम मस्जिद है, 1271 ईस्वी में ये मस्जिद जो है ये तामीर की गई थी। हम आपको थोड़ा सा जो इसका तारीखी पस मंज़र है मैं वो आपको दिखाना चाह रहा था, आप यहाँ देख सकते हैं ये तबस्सुम साहब, क्योंकि चीनी में लिखा है इसकी तामीर 1271 से 1368 ईस्वी। यस, इस पर लिखा हुआ है कि इस मस्जिद की तारीख, और ये मस्जिद का नाम है डोंगजी में मस्जिद। ये जो बीजिंग के बहुत बहुत मरकज में वाक़ है एक मस्जिद है, और आप देखिए यहाँ सामने है ये जो इसकी तारीख तकरीबन 700 साल पुरानी है। और हम भी देख सकते हैं कि ये मस्जिद की इमारतें हैं कि तामीर की स्टाइल है बिल्कुल। अब थोड़ा सा हम आप दिखाते हैं जो नाज़रीन हम जी हम थोड़ा सा आपको नाज़रीन दिखाते हैं ये मस्जिद का देखें, यहाँ अगर हम खड़े हो आप देख सकते हैं कि जो अरबी और चीनी फन तामीर दोनों साथ साथ लिखे हुए हैं, और भी आप भी साथ साथ देखते हैं कि इस मस्जिद के पीछे ये जो मॉडर्न बिल्डिंग है, लेकिन यहाँ एक ऐसा पुरसुकून और माहौल, इतना साफ सुथरा मस्जिद खड़ी है, बहुत जबरदस्त। और थोड़ा सा हम और आगे आपको दिखाते हैं नाज़रीन, ये देखिए, और आप देखिए ये क्रॉक्स हैं, इस पर लिखा हुआ है कि चाइना में ये दरअसल बीजिंग में ये जो नमाज पढ़ने के लिए ये जो औकात हैं सब इस पर लिखा हुआ है, और ये पाकिस्तानी टाइम से मुख्तलिफ है ना। जी बिल्कुल, इसमें थोड़ा सा ये फ़र्क है तबस्सुम को, जो हमारे लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं जी, आप देख सकते हैं कि यहाँ लिखते हैं औकात नमाज। जी औकात नमाज, ये उर्दू का लफ्ज़ है, और इसमें जो चीज़ सबसे अच्छी लगी तबस्सुम साहब के इसमें जो उर्दू, देखें आप बेशक नमाज मोमिनों पर मुकर्रा वक्त पर फ़र्ज की गई है, और देखें ये उर्दू में, तो लगता ये है कि हमें पता करना पड़ेगा ये पाकिस्तान से तोहफा, मुझे लगता है कि ये तोहफा पाकिस्तान से आया है, क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं कि उर्दू में जो है तर्जमा जो है वो किया गया है, लिखा नमाजों के जो औकात हैं वो इस तरीके से लिखे गए हैं। और ये मस्जिद का माहौल भी बहुत साफ है, और यहाँ जो ख्वातीन गेट ये जो नमाज पढ़ने गेट ये एक रूम है, यहाँ लिखा है कि लेडीज प्रेयर हॉल। हम देख सकते हैं कि यहाँ कुर्सी मेज वगैरह सब दस्तीब है, और एसी भी है, और यहाँ ये मेन हॉल है इस वक्त शाहिद साहब मौजूद हैं। मैं चाह रहा था कि मैं आपको नाज़रीन थोड़ा सा जहाँ का जो माहौल है मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊं, ये मस्जिद का अंदरूनी हिस्सा है, अंदरूनी हाल है। अब से थोड़ी देर कबल जो है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 5:30 बजे और बीजिंग वक्त के मुताबिक 8:30 बजे यहाँ पर नमाज अदा की गई थी, नमाज ईद और ईद उल अज़हा, उसके बाद कुर्बानी का अहतमाम किया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं मस्जिद का फन तामीर जो है, इसमें जो चूँकि कदीम मस्जिद है 700 साल इसकी तारीख है, और अब से थोड़ी देर कबल यहाँ पर नमाज ईद जो है वो यहाँ पर अदा की गई, और यहाँ पर काफ़ी एम्बेसीज़ हैं, इस वजह से यहाँ पर काफ़ी लोग आते रहते हैं। आप देख सकते हैं जो फन तामीर है इंतहाई खूबसूरत, और लकड़ी का इसमें इस्तेमाल है काम में। ये बीजिंग के इस वक्त हम एक तारीखी मस्जिद से इस वक्त आपको बराह रास्त दिखा रहे हैं मनाजिर, यहाँ पर आप देख सकते हैं बुज़ुर्ग अफराद के नमाज ईद की अदायगी के लिए अहतमाम किया गया है, और यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी बड़ा हाल है, आप देख रहे होंगे यहाँ पर
अब से थोड़ी देर कबल यहाँ पर जो है नमाज ईद जो है वो अदा की गई थी। अब हम थोड़ा सा बाहर की जानिब भी आते हैं और आपको मज़ीद इस मस्जिद के हवाले से भी बताएंगे और साथ साथ जो इस वक्त कुर्बानी के हवाले से बाहर जो इसकी सरगर्मियाँ हैं वो भी आपको दिखाएंगे। जी हाँ, हम बाहर जाएं और देखते हैं कि इस वक्त मस्जिद के बाहर मुनाकिद हो रही है ये जो कुर्बानी की सरगर्मियाँ हैं। हम जाएं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम चलते हैं, आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं। साथ साथ जी देखें तबस्सुम के मुख्तलिफ जगह हैं मस्जिद के साथ भी, जो हम देख सकते हैं कि मुख्तलिफ हिस्से हैं। यहाँ पर वजू खाना भी है, यहाँ पर खवातीन के नमाज के लिए हमने हाल दिखाया है कि खवातीन की नमाज के लिए अलग अहतमाम किया गया है। इसके मरकजी हाल भी साथ फन तामीर भी, इंतहाई खूबसूरत फन तामीर जो है वो इस वक्त इस मस्जिद के हम आपको दिखा रहे हैं। अब थोड़ा सा हम आगे चलते हैं और इस वक्त जो मनाजिर हैं बैरूनी जानिब जहाँ पर कुर्बानी की जा रही है, तो बस उन सब आपको कैसा लग रहा है यहाँ आकर? आज मुझे बहुत अच्छी लगा है कि क्योंकि आज हमारे बहुत से पाकिस्तानी दोस्त यहाँ आए हैं और नमाज पढ़े हैं और फिर भी कुर्बानी के लिए आए हैं, और उनका कहना है कि यहाँ का माहौल बिल्कुल पाकिस्तान जैसा है। इसीलिए ये सुनकर मुझे भी बहुत खुशी हुई कि हमारे दोस्त चाइना में, बीजिंग में अपने घर किधर हम महसूस करते हैं, मुझे बहुत खुशी है। जी, जो पाकिस्तान के लोग हैं तो वो कहते हैं कि चीन हमारा जो है वो दूसरा घर है और ये हमें लगता भी है हर लिहाज से। जब हम आते हैं यहाँ पर जो चीनी लोग हैं उनकी जो मोहब्बत है पाकिस्तान से, अपनाइत है, और फिर जिस तरीके से वो पाकिस्तान का ख्याल रखते हैं, हम अक्सर अपने जो नाज़रीन को दिखा रहे होते हैं यहाँ पर, इस वक्त ये कुर्बानी में मसरूफ़ हैं लोग। और आप देख सकते हैं नाज़रीन, इस वक्त ये कुर्बानी कर रहे हैं लोग यहाँ पर। हम थोड़ा सा आपको दिखाते हैं, यहाँ पर चूँकि बकरों की ज़्यादा कुर्बानी की जाती है तो वह सब आम तौर पर जो है पाकिस्तान की नस्बत तादाद मौजूद है। और अभी भी जो नमाज से फारिग होने के बाद हमें यहाँ भी बहुत से दोस्त मिले हैं, मुसलमान दोस्त हैं। वो आप देखिए मस्जिद के बाहर में, यहाँ के अंदर काफ़ी ज़्यादा बकरे मौजूद हैं और इस पकड़े के जिस्म पर नंबर भी लिखा हुआ है। ये आप देख सकते हैं नाज़रीन, यहाँ पर ज़्यादा बकरों की कुर्बानी जो है वो की जाती है और हर बकरे के ऊपर एक नंबर भी लिखा है। चाहे मुख्तलिफ जो हिस्सेदार हैं बीजिंग में रहने वाले जो मुसलमान हैं उनकी जानिब से कुर्बानी का अहतमाम किया जाता है, और यहाँ पर जो इस हवाले से इस मस्जिद के साथ ही बैरूनी मुकाम पर एक जगह का तयन किया गया है जहाँ पर इस वक्त जानवर ज़िबा किए जा रहे हैं, उनकी कुर्बानी की जा रही है। और इस वक्त भी यहाँ पर पहले चूँकि सुबह पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सुबह यहाँ पर 5:30 बजे ईद की नमाज़ अदा की गई जो पाकिस्तानी वक्त था। जी। और अब चूँकि कुर्बानी के बाद जो है लोग अब जानवर ज़िबा करने के बाद साथ जाएंगे और अपने जो दोस्त अहबाब हैं, जो रिश्तेदार हैं, उनमें गोश्त वगैरह तकसीम करेंगे। तो ये एक माहौल हमें पाकिस्तानी माहौल हमें यहाँ भी देखने को मिल रहा है, जैसे हम पाकिस्तान में होते हैं ना, तो वो सेम वैसा ही माहौल हमें यहाँ भी देखने को मिल रहा है। जी, और तो बस सबसे एक चीज़ थोड़ा सा मैं आपको जरूर जो है। जी हाँ, और इस मस्जिद के पास है फिर एक हलाल रेस्टोरेंट भी मौजूद है, यहाँ हम बहुत से हलाल फूड भी मिल सकते हैं। ये देखिए आप तंदूर भी देख सकते हैं, आप तंदूर भी तंदूर में थोड़ी देर पहले अभी इसमें नान जो है ये नान जो है, और फिर भी साथ साथ शिनजियांग का समोसा खाओबाउज भी इस तंदूर में तैयार। ये हमारे नान जो है देखें, आप देखिए इस वक्त जो नान जो हैं यहाँ पर रखे गए हैं। आमतौर पर लोग आते हैं आज, चूँकि तबस्सुम ये होता है कि पाकिस्तान में ना लोग बहुत शौक़ से जो है आज गोश्त के साथ नान खाते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर एहतमाम किया जाता है पाकिस्तान में भी, और यहाँ भी हमने देखा कि ऐसा माहौल है, तंदूर से धुआं भी उठ रहा है। मीन तंदूर ताज़ा है, आप देख सकती हैं कि तंदूर ताज़ा है। आप जो ही आपको ऑर्डर करना है और जो है फौरी नान जो है वो तैयार हो जाएंगे। में ऐसे तंदूर भी है। जी पाकिस्तान में चूंकि हमारे ज़्यादा रवायती किस्म के तंदूर है। एक समोसा छोटा। जी छोटा समोसा भी है यहाँ पर, और सुबह लोग जो कुर्बानी करने आए थे यहाँ बिल्कुल खाली है क्योंकि लोग को साथ साथ लेकर। जी बिल्कुल ऐसा है। और तो शाहिद साहब आप हमें सुनाएं दो, आज गोश्त लेने के बाद आप जो लंच के लिए क्या अहदयाम करेंगे? जी ऐसा है तबस्सुम के इसमें जो बड़ी दिलचस्प बात है कि मेरी ये चीन में 10वीं ईद है। जी तो 10वीं ईद है, आमतौर पर होता ये है कि हम सुबह जाते हैं नमाज ईद के बाद जो है, जिस तरह से आज का ये प्लान था, चूँकि आज से कहते हैं गोश्त की ईद है ना, तो
जहाँ पर दोस्त अहबाब में तकसीम करने के साथ साथ ये कोशिश होती है ख़ुद भी आज जो है ज़रा कुछ रवायती किस्म की डिशेज पकाई जाएँ। तो आज हमारे ज़ुबैर साहब हैं, आज मैं उनका मेहमान होऊंगा, शाम को हम इकट्ठे होंगे। ऐसे कहते हैं कि थोड़ा सा बारबेक्यू भी हल्का सा होता है कुछ से। आज हम खाएंगे मटन कढ़ाई। मटन कढ़ाई का थोड़ा सा ये होता है कि आपको पसंद है तो बस मटन पसंद है जी। तो आज हमारा एहतमाम होगा मटन कढ़ाई के साथ, फिर हम साथ नान और साथ जी बिल्कुल। आज हमारा ये कह सकते हैं कि फिर हमारी सारा साहब अभी उनको ना बड़ा शौक है निहारी बनाने का। निहाली बनाने का, हाँ मुझे पता है निहाली ये सूप है। एग्जैक्ट उन्होंने कहा कि आपने ऐसा करना है कि जहाँ कुर्बान का जहाँ पर जानवर ज़िबा किए जाएंगे तो आपने मेरे लिए निहारी का खास तौर पर एहतमाम करना है, उसके लिए खास गोश्त चाहिए होता है निहारी के लिए ना। तो उन्होंने कहा वो आप लेकर आइएगा, तो मैं यहाँ उनके लिए भी लेकर जाऊँगा तो अच्छा लगेगा। निहारी मटन कढ़ाई, तो आज बस गोश्त गोश्त ही हर तरफ आपको नजर आएगा। अच्छा, और आपको तो बस अगर पूछा चलो, आप तो चूँकि पाकिस्तान में रही भी हैं तो अगर आपको पूछा जाए कि पाकिस्तान में आपके कौन सी ऐसी रवायती डिशेज है जो आपको अच्छी लगती है तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कहती हूँ कि मुझे सब पाकिस्तानी खाना बहुत पसंद है, बेहद पसंद है, और ख़ास तौर पर मिठाई खीर मुझे बहुत पसंद है, और इसका जायका बहुत मीठा है। और ये जो पीने में लगता है कि ये योगर की तरह है, लेकिन ये जो बिल्कुल स्वीट है और इसके अंदर में मुख्तलिफ खुश्क मेवाजात भी साथ साथ शामिल हैं और चावल भी हैं, मुझे बहुत पसंद है। इसका मेरा दूसरा सवाल है, देखिए जो आपने जिस खाने का जिक्र किया ना वो हमारा छोटी ईद का। ये छोटी ईदगाह है। अच्छा, तो इस ईद के मौके पर गोश्त खाते हैं जी, आपने मुझे बताया ना उसे हम कहते हैं मीठी ईद, ईद उल फितर। अच्छा, छोटी ईद उसमें होता है कि हमारी तरह जैसा सवैया, देखो जिस तरह आपने बताया खीर, ये ईद है बड़ी ईद, ये है गोश्त। जब मुझे ये बताइए, मेरी मालूमात में इजाफा हुआ जी। एग्जैक्टली, तो ये दोनों में फर्क है। तो आप उसे हम कहते हैं मीठी ईद और ये कहते हैं गोश्त बकरा ईद, हम कहते हैं इसको ना ईद उल अज़हा। मुझे कबाब बहुत पसंद है, क्योंकि न सिर्फ पाकिस्तानी पाकिस्तान में जो कबाब है लेकिन चाइनीज डिशेज में कबाब भी है, खासतौर शिनजियांग का खाना है। यहाँ कबाब का जायका बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अच्छा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो पाकिस्तान का कबाब है और जो शिनजियांग है मुख्तलिफ है, जायका मुख्तलिफ है। सही, लेकिन ये कि उसमें कबाब भी तो मुख्तलिफ कबाब होते हैं ना। अब उसमें चपली कबाब भी होता है और दूसरा हम चिकन कबाब भी होता है, मटन कबाब भी होता है, बीफ कबाब भी होता है, मटन और बीफ तो, चिकन तो वो जो हमारे एक हमारे ना वो जो कहते हैं एक पेशावरी चपली कबाब जो गोल सा होता है वो आपने खाया है कभी? शायद खाया है, लेकिन मुझे पता है कि ये बहुत मशहूर है क्योंकि मेरे जो मैंने जो बहुत सी वीडियो में देखी है जो पेशावर में जो कबाब है काफी मशहूर है जी। ऐसा ही है, और ये इस वक्त यहाँ पर नाज़रीन बीजिंग में भी थोड़ा सा हम आपको आगाह करते चलें कि यहाँ पर जो सुबह ईद की नमाज है वो जो मुख्तलिफ बड़ी बड़ी मस्जिद है, न्यूजे सबसे बड़ी मस्जिद है, वहाँ पर हजारों मुसलमान जमा होते हैं, और भी उसके अलावा न्यूजे के अलावा भी दीगर जिस तरह आज हमने जिस मस्जिद में आए यहाँ का चूँकि कुर्बानी का अलग से एहतमाम किया गया था जो पाकिस्तानी अफराद थे, ये तो बस आपने देखा है कि यहाँ पर जो पाकिस्तानी अफराद हैं वो किस कदर आप कह सकते हैं कि हमारी चूँकि एक बहुत बड़ी मजहबी एक हमारी सरगर्मी है, एक फरीजा है, उसे अदा करने के लिए सुबह कितने लोगों की रश थी, और इस वक्त भी कई लोग जो हैं वो कुर्बानी के बाद जो है वो गोश्त वगैरह लेकर जा चुके हैं। हाँ। लेकिन हमारा चूंकि नंबर आज थोड़ा सा लेट है, जो हमारा बकरा नंबर है जी नंबर 20 है, 20 है आज हमारा बकरा नंबर 20 है, तो अभी उसकी अभी उसको ज़िबा करेंगे तो फिर हम भी गोश्त वगैरह लेके जाएंगे, साथ साथ हम आपको दोबारा दिखाएंगे। हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ भी काफी ज्यादा बकरे लग गए हैं, और क्योंकि मैं जो आज सुबह 8 बजे भी इस मस्जिद में पहुंच चुकी हूं और उस वक्त जो लोग नमाज पढ़ने के लिए आ रहे हैं, जैसा अभी हमने आपको बताया है कि ये तुमजी में ये इलाका है जो मुख्तलिफ ममालिक के एम्बेसी से करीब है, इसीलिए काफ़ी ज़्यादा जो गैर मुल्की मुस्लिम आते हैं नमाज करने के लिए और ये जो कुर्बानी अदा करने के लिए, और इसके साथ साथ चाइनीस मुसलमान भी मौजूद हैं, न सिर्फ गैर मुल्की मुसलमान बल्कि चाइनीस मुसलमान भी साथ साथ मौजूद हैं, क्योंकि हम अक्सर न्यूजी मस्जिद जाते हैं क्योंकि ये जो बीजिंग में सबसे मशहूर मस्जिद है। जी जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त कहा तबस्सुम के हमें जो चीज़ सबसे मुख्तलिफ लगी ना यहाँ पर इस मस्जिद में। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि दरअसल न्यूजी ये जो कम्युनिटी है मुसलमानों की कम्युनिटी है, लेकिन तुंजमेन के आसपास जो कोई ऐसा खास कम्युनिटी नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ एक ऐसे
जो इलाके में भी एक मस्जिद मौजूद है जो आसपास रहने वाले मुस्लिमों को सहूलियात फराहम की जा सकती है। जी, उसमें ये भी था तबस्सुम के, चूँकि शुरू की जो मेरी ईदें थी ना वो न्यूजे में गुजरी ज्यादा, मैं न्यूजे शौक से जाया करता था वहाँ पर। वहाँ चूँकि आप कह सकते हैं ना यहाँ की नस्बत वहाँ पर चूँकि जानवर भी ज्यादा होते हैं, लोग चूँकि बहुत ज्यादा होते हैं, वो चूँकि सबसे बड़ी मस्जिद है कदीम, तो यहाँ पर ये लगा कि जैसा कि आपने कहा मुख्तलिफ एम्बेसीज के लोग थे, तो एक कह सकते हैं कि एक इंटरनेशनल टच सा यहाँ पर आया। जी हाँ, मुख्तलिफ ममालिक से जो हमारे इस्लामी ममालिक से मुसलमान थे वो यहाँ पर आए। जी हाँ, मुख्तलिफ ममालिक के मुस्लिम दोस्त से मिले हैं आज सुबह को, और वो जो सब अपनी जो ट्रेडिशनल लिबास पहनते हैं और यहाँ नमाज पढ़ चुके हैं, और फिर भी जो बकरों को जबा कटने के बाद फिर गोश्त साथ वापस लेकर घर वापस जा रहे हैं। आपने देखा तो बस हमारे कुछ बच्चे भी यहाँ देखे आए हुए हैं, पाकिस्तानी जो हमारे बच्चे हैं वो भी यहाँ पर आए हुए हैं, वो भी अपने वालदैन, जी वो वालदैन के साथ यहाँ पर आए हुए हैं, शरवार कमीज पहनते हैं, और आप ही साथ साथ चेक सकते हैं कि यहाँ चाइनीज लेडी भी मौजूद है, वो भी है, और वो भी जो मुस्लिमों के ट्रेडिशनल लिबास पहनते हैं और यहाँ जो अपनी बारी का इंतजार कर रही है। जी, तो हम थोड़ा सा आगे जाकर और देखते हैं कि हमारे जुबैर साहब कहाँ तक पहुँचे, क्योंकि जुबैर साहब के साथ हम भी ऐड हैं, जो ही उनकी तरफ से बताया जाएगा कि जनाब गोश्त बन चुका है अब हम जाने के लिए तैयार हैं, तो फिर हम वापसी की राह लेंगे। आज हम सवेरे जो हैं हम देख रहे हैं यहाँ तक, यहाँ जो है ना तो बस हम जो कुर्बानी के लिए जो आपका कसाई होता है ना जो जानवर ज़िबा करता है उसका माहिर होना बड़ा ज़रूरी है। यस, वो जितना माहिर होगा वो उतनी जल्दी जो है ना वो बना देगा सारे इसमें। जी, जिससे अभी हम यहाँ देखते हैं कि अभी लोग जो हैं हम देख सकते हैं कि हमारे सामने भी यहाँ जो बुजुर्ग भी मौजूद हैं, ये चाइनीज मुस्लिम हैं और लोग भी यहाँ इंतजार कर रहे हैं, अपनी बारी का यहाँ इंतजार कर रहे हैं। हेलो, लोग अपनी बारी का यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं, ये आप देख सकते हैं जो किसकी बारी है, और आप देख सकते हैं कि हमारे दोस्त भी गोश्त ले रहे हैं। जुबैर साहब, हमारा नंबर किस वक्त आएगा, मैं जुबैर साहब से पूछ रहा हूँ। अच्छा, वाह, आप जरा बताइए कि हमारे जो के इस वक्त तबस्सुम के साथ काफी लोग ऐड हैं, वो बात भी करना चाह रहे हैं, तो हमने कहा आपसे बराहरा से यहाँ पूछे। अच्छा देखें, सबसे पहले हम ये बताएं कि ये पाए जो हैं वो आ गए हैं, लेकिन ये दो पाए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि ये बकरा दो पाँव वाला था, दो पाँव अभी ऊपर मौजूद हैं। नज़दीक बिल्कुल, अब मुझे आप वहाँ जाना होगा क्योंकि बाकी चीज़ें मैं कलेक्ट करूँ। जी बिल्कुल, वैसा मैं चूँकि बताया क्योंकि जो हिस्सेदार होता है ना तबस्सुम, जी हाँ, उसको बड़ा साथ साथ रहना पड़ता है अपना देखने के लिए कि मेरा जो गोश्त है वो कहाँ तक पहुँचा। जी जी जी, हम वहाँ जाएँ और देख सब कह रहे हैं कि वहाँ से आप ये भी दिखाएं जो हम जुबैर साहब के एडवाइस के मुताबिक, ये हम थोड़ा सा गोश्त तो दिखाएं, ये गोश्त बन रहा है देखें। यस, अगर हम दिखा सकें तो माहिर लोग यहाँ है रहा है, और जो माहिर लोग अभी ज़बह करने में मसरूफ है। ये देखें, यहाँ से गोश्त जो है ये नज़र आ सकता है, लेकिन खून वगैरह ये सेंस है, हमें आपको दिखाई नहीं सकते। छोटे छोटे बच्चे भी देखें यहाँ पर आए हुए हैं हमारे साथ, हम साथ यहाँ पर दोबारा मौजूद हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। हसन जी, कैसे हैं आप बेटा? मैं बिल्कुल ठीक। अच्छा, हमारे साथ इस वक्त हसन मौजूद हैं और उनसे हम बात करेंगे कि ये बताइए हसन के यहाँ पर आप ईद जो है कैसे मनाते हैं, मीटिंग में क्या करते हैं सुबह से लेकर शाम तक? हम लोग सुबह सुबह उठते हैं और फिर नहा के ना हम लोग ना मतलब रेडी हो जाते हैं, और हम लोग जाते हैं फिर हम लोग वो मस्जिद में नमाज़ पढ़ने जाते हैं, और फिर हम लोग वो यहाँ आ जाते हैं मतलब के वो बकरा ज़िबा करने के लिए, और फिर हम गोश्त लेके ना तो फिर हम लोग गोश्त लेके घर जाते हैं, और फिर मतलब के उनके पीसेस करते हैं और फिर उन्हें पकाते हैं, और पहले उन्हें हम ना तकसीम कर देते हैं और फिर ना उन्हें पकाते हैं, और फिर ना उनका मतलब के कौरमा बना लेते हैं, काफ़ी दफ़ा मटन कौरमा और वगैरह वगैरह ऐसे बना लेते हैं, हम डिशेस बनाते हैं और फिर हम ऐसे खाते हैं। शुक्रिया, ईद मुबारक। आपको ईद बेटा, बहुत शुक्रिया। और अब हम थोड़ा सा एक छोटे से बच्चे से हम आपकी बात कर रहे हैं। जी, हमने बात की है और हम यहाँ इस एंगल से जी से ये आप देख सकते हैं।
आप देख सकते हैं कि यहाँ काफ़ी और काफ़ी ज़्यादा जो बकरे जानवर हैं वो जो हैं, थोड़ी देर बाद चूँकि अभी काफ़ी मुसलमान आ रहे हैं जिनका हिस्सा है ना तबस्सुम, वो आते हैं जिनके मुख्तलिफ नंबर जिस तरह लगे हुए, जैसे ज़ुबैर साहब का नंबर 20 था, तो 20 नंबर पर उनको जो है वो जी यानी 20 अभी जा चुका है, जी आ चुका है वो ज़ुबैर साहब, वो मसरूफ़ हैं, वो सामने इस वक्त नज़र आ रहे हैं हमें जो है ना, अपना गोश्त का हिस्सा वसूल कर रहे हैं वो ना, इस वसूल करने के बाद फिर वो घर जाएंगे, फिर मजीद उसको तकसीम करेंगे, फिर हमें भी गोश्त देंगे, फिर हम भी बनाएंगे कुछ उनके साथ मिलकर खाएंगे। तो हमारे नाज़रीन को हमें कमेंट्स में बता सकते हैं कि आपको जो बकरा ज्यादा पसंद है या भैंस ज्यादा पसंद है। अच्छा आप तो समझो हमारे लोग हैं, कल पाकिस्तान में ईद है, जी पाकिस्तान में कल ईद है, तो जो आप जो हमारे लोग हैं वो हमें बता सकते हैं कमेंट्स में कि ईद के लिए क्या अहतमाम किया गया है उनकी जानिब से पाकिस्तान में। और यहाँ थोड़ा सा फ़र्क ये है तबस्सुम कि हमारे पास ये जो जानवर है ना पाकिस्तान में ज़्यादातर बैल ज़िबा किए जाते, बैल ऊँट वो ज़्यादा ज़िबा किए जाते हैं, बकरे भी होते हैं, तो यहाँ पर चूंकि ये है कि लोग ज़्यादा पसंद करते हैं चीन में छोटे जानवर, चीन में जो ज़्यादा मैंने देखे हैं दुम्बे और जो बकरे हैं ये ज़्यादा कुर्बान करते हैं, तो इस वजह से पाकिस्तान में चूँकि बीफ कह सकते हैं लोग शौक से खाते हैं, बड़ा गोश्त ना, बड़ा गोश्त शौक से खाते हैं, छोटा गोश्त भी खाते हैं लेकिन बड़े गोश्त ज्यादा चूंकि लोग कह सकते हैं शौक से वो खाते हैं। आप बीजिंग में रहते हैं, आप जानते हैं कि बीजिंग के रहने वाले हैं जो मटन ज्यादा पसंद करते हैं, ज्यादा खाते हैं, जी 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 बिल्कुल, ज्यादा मटन खाते हैं जी। तो जब आप पाकिस्तान में थी तो बस तो कभी आपको इत्तेफाक हो उस वक्त कोई ईद आपकी मौजूदगी में हुई? नहीं नहीं, अगर मौका मिला मुझे, मेरी ख्वाहिश है कि जो पाकिस्तान में एक दफा ईद मनाएंगे। चले हम जरूर चाहेंगे कि आप आए इस्लामाबाद लाहौर वहाँ पर ईद हमारे साथ मनाएं, आप खुद देखें कि कैसे जो लोग हैं वो किस तरह ईद मनाते हैं। मुख्तलिफ लोग इस वक्त जो हैं हमें ईद की मुबारकबाद भी दे रहे हैं, और हम बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का, और आपकी ईद की तैयारी जो है कल आप अहतमाम करेंगे, हम आपको भी मुबारकबाद कहना चाहेंगे। आज का ये खसूसी शो यहाँ से हम आपके लिए पेश कर रहे हैं कि बीजिंग में इस वक्त मुसलमान जो हैं वो ईद कैसे मना रहे हैं, कुर्बानी का क्या अहतमाम किया गया है। तबस्सुम आज मरकज़ी मेज़बान है हमारे साथ सुबह से, और ये खुद हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं कि ये देख रही हैं कि क्या सारे इंतजाम किए गए हैं। जी और मैं जानती हूँ कि आज पाकिस्तान में हमारे दोस्त ज़रूर ईद उल अज़हा की तैयारी में मसरूफ़ हैं, तो आज बीजिंग में ईद मनाने का सिलसिला शुरू हो रहा है, इसीलिए हम बीजिंग से चाइना से हमारे तमाम पाकिस्तानी दोस्तों को ईद मुबारक हो, और उम्मीद है कि इस ईद के मौके पर आइंदा आप भी हमेशा के लिए सेहतमंद रहेंगे और खुश रहेंगे। जी बिल्कुल, और चंद लोगों ने जिस तरह मुश्ताक अहमद साहब ने आपको ईद मुबारक कही, साथ नेमतुल्ला साहब ने आपको ईद मुबारक कही, साथ मोहम्मद हुसैन साहब हैं वो भी हमारे साथ अभी मौजूद हैं, और इसके साथ साथ और भी हमें बेशुमार कमेंट्स आ रहे हैं। हाँ, अभी जी वो भी साहब हैं, वो भी आपको सलाम कह रहे हैं, और साथ साथ जो है काफ़ी नाज़रीन हमारे साथ शामिल हो रहे हैं, सबकी तरफ से आपको सलाम किया जा रहा है, वकार साहब ने अभी सलाम कहा है आपको, तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि देखें लोग इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान में, और वो देख रहे हैं कि इस वक्त चीन के जो मुसलमान हैं वो ईद कैसे मना रहे हैं, हमारा आज का ये खुसूसी ईद शो बहुत पुरजोश तरीके से ईद मनाई जा रही है। जी बिल्कुल, तो वैसे तबस्सुम साहब आप चूंकि हम प्रोग्राम के एंड में हैं तो मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि अगर आपसे पूछा जाए कि पाकिस्तान में चूँकि आप रहीं और पाकिस्तानी खाने भी आपको पसंद हैं, आप क्या कोई पाकिस्तानी खाना बना भी सकती हैं? नहीं, अफसोस की बात है मुझे नहीं आती जी, तो ज्यादा मुश्किल है मेरे लिए ज्यादा। चले हम चाहेंगे कि हम आज जो है कोई ऐसा रवायती डिश बनाएं और वो आपको पेश करें, चूंकि आपको पाकिस्तानी खाने पसंद हैं, हम चाहेंगे चूंकि आज गोश्त की ईद है तो कोई ऐसी गोश्त की डिश हो जो आप खा भी सकें और आपको अच्छा लगे। फिर मैं भी कोशिश करूंगी कि पाकिस्तानी खाना पकाना सीखूंगी। जी ये तो बहुत अच्छी है, तो आपने बहुत अच्छी खुशखबरी सुनाई, इसका मतलब यह है तबस्सुम के आइंदा ईद पर जब होगी तो उस वक्त जो है आप बजाय यहाँ से बैरूनी जगह से लाइव करने के, यहाँ से लाइव करने के बाद आप घर में किसी पाकिस्तानी खाना बनाते हुए लाइव करेंगी, लोगों को दिखाएंगी कि आज मैं आपके लिए ईद के मौके पर खास गोश्त की डिश बना रही हूँ, आइए आप भी मेरे साथ शामिल होइए, तो हम ये तवक्को कर सकते हैं। जी जी इंशाल्लाह। जी ये तो आपने बहुत अच्छी बात कही, और अब हम क्या अपने जो दोस्तों से इजाज़त लें, आपने हमें इजाज़त दीजिए, और एक बार फिर आपको ईद मुबारक हो। जी बहुत बहुत आपको ईद मुबारक तबस्सुम और शाहिद की जानिब से,
बहुत अच्छा लगा आप लोगों का साथ रहा, आप लोग हमारे साथ रहे ईद के इस खसूसी ट्रांसमिशन में। सब लोगों के जिन्होंने हमें ईद की मुबारकबाद दी, बेहद शुक्रिया आपका। तमाम अहले वतन को, तमाम पाकिस्तानियों को ढेरों ईद मुबारक। मुबारक।